ओके स्टूडेंट, यू कैन सी नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आप देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस की स्लाइड आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। इट टेक्स नॉर्मली 65 to 75 days। स्पर्मेटोजेनेसिस बेगिन्स विद स्पर्मेटोगोनिया। व्हाट इज स्पर्मेटोगोनिया? स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड सेल्स, दीज आर द स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये जो बेसिक सेल्स हैं, दीज सेल्स अंडरगो माइटोसिस और रिप्लेस इन्हीं सेल्स में माइटोसिस होती है और ये सेल्स ये बदल जाती हैं आगे डेवलपमेंट के लिए। और ये सेल्स क्या बनती हैं, यानी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो हैं ये क्या करती हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो बेटा है यही स्पर्मेटोगोनिया सेल्स क्या करती हैं, यही स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो हैं ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स ही जो है वो आगे बदलती है, फर्दर डेवलपमेंट इन स्पर्मेटोगोनिया सेल्स में होता है। दीज स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो हैं ये डिप्लॉयड सेल्स हैं, ये स्टेम सेल्स की तरह काम करती हैं, इनमें माइटोसिस होती है, ये अपने आप को डेवलप करके स्पर्मेटोसाइट्स बनाती हैं। अभी जो स्पर्मेटोगोनिया हैं ये भी कैसी होती हैं, ये भी डिप्लॉयड होती हैं, और जो इनसे स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं बेटा ये भी डिप्लॉयड होती हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया इनसे बनती है स्पर्मेटोसाइट, और ये स्पर्मेटोसाइट को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं ये भी डिप्लॉयड इन नेचर होती हैं। टू एन स्ट्रक्चर है इसका भी, ईच डुप्लीकेट्स इट्स डीएनए एंड मेयोसिस बिगिंस, ठीक है। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स सेल्स हैं, जो टू एन डिप्लॉयड सेल्स हैं, ये अपना डीएनए डुप्लीकेट करती हैं और इनके थ्रू मेयोसिस बिगिन होती है, यानी इनमें ही मेयोसिस होती है। यानी एक तरीके से आप समझिए कि ये स्पर्म मदर सेल, इन्हें आप क्या मियोसाइट कह सकते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए इन्हें ही आप क्या कह सकते हैं, मियोसाइट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं, तो ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहाँ से आई, एक्चुअली जर्म सेल्स हैं। जर्म सेल्स कहाँ से आई, ये ह्यूमन टेस्टिस में, मेल टेस्टिस में जो तीन टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। उन ट्यूब्यूल्स के अंदर दो तरीके की सेल्स होती हैं और ट्यूब्यूल्स के बाहर भी कुछ सेल्स होती हैं। अगर एक टेस्टिस के किसी एक लोब की बात करें, किसी एक लोब्यूल की बात करें, तो उसमें हजारों ट्यूब्यूल्स होती हैं और उन हजारों ट्यूब्यूल्स के अंदर मिलियंस नंबर में, एक ट्यूब्यूल के अंदर नहीं, टोटल हम बात करें तो मेल की बॉडी में मिलियंस ऑफ जर्म सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। तो ये जो जर्म सेल्स हैं कहाँ प्रेजेंट है, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो जर्म सेल्स प्रेजेंट है, पहली बात वो है, और दूसरा साथ ही साथ वहाँ पर सर्टोली सेल्स भी प्रेजेंट हैं। सर्टोली सेल्स कौन सी हैं? सर्टोली सेल्स हैं आपकी नर्सिंग सेल्स, नरिशमेंट देती हैं। जैसा कि हमने प्लांट के केस में पढ़ा कि जायगोट है और एंडोस्पर्म है, दोनों बनता है, जायगोट एम्ब्रियो बनाता है और एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए, जायगोट से एम्ब्रियो बनने के लिए नरिशमेंट देता है। उसी तरीके से यहाँ पर सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी दो टाइप की सेल्स हैं, एक है जर्म सेल्स और वो जर्म सेल जर्मिनल एपिथीलियम से बनी हुई सेल्स हैं, और ये जर्म सेल्स के साथ साथ यहीं पर कुछ सर्टोली सेल्स भी होती हैं, नर्सिंग सेल्स भी होती हैं, जो डेवलपिंग स्पर्म को या डेवलपिंग मेल गैमेट को नरिशमेंट देती हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। इसके साथ ही साथ जो ट्यूब्यूल्स हैं, जैसे कि आप अगर ढेर सारी पेन, आप मान लीजिए मार्केट गए और मार्केट से आपने 100 पेन्स एक जैसी खरीद के लाई, वो सारी पेन्स अगर आप एक साथ बंच बना के अपने हाथ में पकड़ लें, गोले में बना के, तो वैसा जो स्ट्रक्चर होता है, कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर ह्यूमन टेस्टिस के अंदर किसी एक लोब का होता है, और उसके अंदर ये जो पेन इलोंगेटेड पेन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे वो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि ये आप ऐसा स्ट्रक्चर ले आए और एक इसे ऐसे आप ले आए, बहुत सारी पेन्स ले आए, 50 पेन्स ले आए, और उसे आपने एक
पेन होल्डर में रख दिया, ठीक है। उसके साथ साथ उसी पेन होल्डर में आपने कुछ थर्माकोल की बॉल्स डाल दी। तो देखिए जो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल है उनको कौन प्रेजेंट करता है, उन्हें वो जो पेन्स होंगी वो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल को प्रेजेंट करती हैं, और उनके अंदर ही जर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो स्पर्म बनाएंगी फाइनली, और नर्स सेल्स होंगी स्पर्म फॉर्मेशन के लिए नरिशमेंट देंगी, जिन्हें सर्टोली सेल्स भी कहते हैं। और इन जो पेन लाइक स्ट्रक्चर थे या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थे, इनके बीच बीच में जो थर्माकोल की बॉल्स डाल दी गई हैं वो भी एक प्रकार की सेल्स होती हैं, जिन्हें कहते हैं इंटरस्टीशियल सेल्स, यानी कि बीच का खाली जगह जो है उनमें जो कोशिकाएं उपस्थित हैं उन्हें बोलते हैं इंटरस्टीशियल सेल्स। इंटरस्टीशियल सेल्स यानी कि इन्हीं का एक और नाम है लेडिक सेल्स या इंटरस्टीशियल सेल्स। इनका क्या काम होता है, मेनली लेडिक सेल्स या इंटरस्टीशियल सेल्स जो होती हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करवाने में इनका ही रोल होता है। इसके अलावा स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाने के बाद लास्ट स्टेप में भी इनका रोल होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी आपको कितना समझना है, मैंने आपको अभी तक क्या समझाया, अगर हम थोड़ी सी स्लाइड्स और देखने की कोशिश करें, जो और स्लाइड्स हैं उनको देखें, तो हमें देखिए ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है या ये स्ट्रक्चर, देखिए बेटा ये स्ट्रक्चर जो आपको उस समय अगर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो आप इस स्क्रीन के स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है। जो सबसे पहला स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है वो जिसमें आपको ट्रांसवर्स प्लेन लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो वो जो क्या है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और इनके बीच बीच में इसी को, ये स्ट्रक्चर को देखिए, फिर इसका टीएस दिखाया गया है, ठीक है। इस टीएस में आप देखिए क्लियरली, देखिए ये मैं आपको एक वाइट वाइट पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, तो मैं उस पॉइंट को जहाँ पर ले जाऊँगी समझिए कि मैं वहीं पर आपको पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक वाइट वाइट पॉइंट पूरी स्क्रीन पर चलते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए बेटा मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है ये देख रहे हैं आप, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है एक्चुअली ये क्या है, ये एक सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। और इसमें देख रहे हैं कि इस सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आप देखिए बीच बीच में कुछ सेल्स हैं, देखिए जिनको हम कह रहे हैं ये सेल्स जो हैं, इन्हीं हम कह रहे हैं सर्टोली सेल्स कहते हैं। ये सेल्स यहाँ जिनको एरो दिखाया गया है ये सर्टोली सेल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी ट्यूब्यूल के अंदर और जो सेल्स हैं, देखिए ये जो सेल्स आप देख रहे हैं, ये सेल्स जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये बाकी सेल्स जो हैं, ये सभी सेल्स जो हैं, ये चाहे यहाँ की कोई सेल हो चाहे यहाँ की कोई सेल हो, है ना बेटा, ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स जो हैं ये किसको प्रेजेंट करती हैं, ये सेल्स सारी प्रेजेंट कर रही हैं किसे, जर्म सेल्स को, ठीक है। तो इस हम देखते हैं कि इस स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है इसमें क्या फॉर्मेशन होता है, तो फाइनली इसमें स्पर्मेटिड्स पहले बनते हैं, फिर एक स्टेप और होती है उसके बाद मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और एक्चुअली ये जो स्पर्म बन रहे हैं ये मेल गैमिट है, तो ये क्या बनाते हैं, प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमिट्स, साथ ही साथ सेल प्रोलिफरेशन, देखिए कहा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे देखिए आप। सेल प्रोलिफरेशन का क्या मतलब है कि जो ये कह रहे हैं कि सेल प्रोलिफरेशन हो रहा है, तो सेल प्रोलिफरेशन का मतलब हुआ कि ये जो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्म सेल्स थी, अब यही जर्म सेल्स अपना रूप बदलती हैं। ये जर्म सेल्स पहले स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं, स्पर्मेटोगोनिया 2N स्ट्रक्चर है, फिर स्पर्मेटोगोनिया जो है उसमें माइटोसिस होती है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती है। स्पर्मेटोगोनिया भी 2N है, डिप्लॉयड सेल है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं वो भी 2N है, डिप्लॉयड है, ठीक है। तो अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो बन गई हैं इनमें फर्स्ट मियोसिस होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो डिप्लॉयड है मियोसिस के बाद हैप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती हैं, फिर इसके बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में आप देखते हैं कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होती है और इससे स्पर्मेटिड्स बनते हैं। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है,
हर एक स्पर्मेटोसाइट्स दो दो स्पर्मेटिड्स बनाते हैं, तो इस तरीके से टोटल 4 स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। तो यही पूरी प्रोसेस जो है वो सेल प्रोलिफरेशन कहलाती है, ठीक है। साथ ही साथ स्पर्मेटोजेनेसिस से रिजर्व जर्म सेल पॉपुलेशन का मेंटेनेंस होता रहता है, यानी कि जितनी जर्म सेल चाइल्ड बर्थ के टाइम पर आई थी उतनी उनमें से कुछ मैच्योर हो जाती हैं, ठीक है। साथ ही साथ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंट्रोड्यूस होती है, गैमिट जो ये बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रोसेस में मियोसिस होती है, और आप जानते हैं कि मियोसिस के टाइम पर एक्सचेंज ऑफ जीन सेगमेंट्स होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो मेल इंडिविजुअल स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है, तो हर एक स्पर्म, कोई भी दो स्पर्म आप लेंगे तो वो पूरी तरीके से किसी एक ही इंडिविजुअल में एक करोड़ों स्पर्म बनते हैं, लेकिन उन करोड़ों में से कोई भी दो आप एकदम देखेंगे तो आपको वो जेनेटिकली आइडेंटिकल स्पर्म नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो यही बात है कि इसी यही क्या है इसी कह रहा है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं।